अभी आपको हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उसके बारे में आगाही, किस वजह से होती है, क्यों होती है, ये सारा मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो ये पे मैसेज लिखा हुआ है या इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस अवेयरनेस सेशन, ये आपको आधा सच बताया गया है, आधा सच अभी आपको बताना बाकी है। और वो ये है कि जो इलम आपको दिया जाता है उस पर अमल करना और उसका हिसाब बाहर में आपके आपसे होगा, यानी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है जो इलम आपके पास है वो आप आगे पहुंचाएं। तो आधा सच तो ये था कि आपको आगाही सेमिनार में बुलाया गया है, लेकिन आधा सच ये है कि आप लोग हैं वो आज से मेरे रिप्रेजेंटेटिव होंगे ताकि आप लोगों तक ही जाके मैसेज पहुंचाएं जो आपने आज यहाँ पे सुना है। उसकी वजह यह है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है खासतौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और एक आपको बात कर चलूँ कि आप सब ने ये सुना होगा कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अगर आपके बताने से कोई इस बीमारी से बच जाता है, किसी को पता लग जाता है कि इससे बचने के तरीके कार क्या है अपने घर में अपने बाहर में, तो समझ लें कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस लेक्चर को, इस सेशन को ये सोच के नहीं सुनना कि ये अवेयरनेस सेशन है, सुना है घंटा सुबह चले गए, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बन गई है कि आपने अपनी फैमिली को इससे बचाना है, अपनी कम्युनिटी को इससे बचाना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इससे बचाना है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाई आई चूज हेपेटाइटिस। किसी को कोई नॉलेज की हेपेटाइटिस क्या चीज है, कोई एक या दो लोग, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है हेपेटाइटिस क्या चीज है। कोई एक बंदा यरकान क्या चीज है, काला यरकान क्या चीज है, ये पता कोई एग्जाम या जस्ट आपका नॉलेज चेक करना है, कोई एक बंदा को बता दें। जी सर, वेरी गुड वेरी गुड, कोई एक और स्टूडेंट में से कोई, खाता लफ्ज बता दें यार, ठीक है सर ने मेरा काम आसान कर दिया, उनके जिगर में सोजश पैदा हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बेसिकली दो लफ्जों का मजमुआ है, हेपा कहते हैं जिगर को और टाइटस का मतलब है सोजश, जिगर की सोजश। तो हेपेटाइटिस मतलब है कि कोई भी ऐसी बीमारी जो कि जिगर की सोजश कर दे उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब हेपेटाइटिस की कितनी वजूहत है वो मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको उसके बारे में बताता चाहूँगा। अभी हेपेटाइटिस की वजूहत क्या है, तो जिगर की सोजश किन किन वजहों से होती है, उसमें पांच सात जो बड़ी बड़ी वजह वो मैंने आपके सामने रखी है। सबसे पहली वजह है जिगर की चर्बी, ओबेसिटी है, ज्यादा खाना है, एक्टिविटी कोई नहीं है, उसके बाद जिगर के ऊपर जब चर्बी आ जाती है तो वो जिगर को सोजश करना शुरू कर देती है और जिगर सिकुड़ जाता है। और यही मसला जो काला या लाल हेपेटाइटिस बी के साथ होता है उतना ही असर जिगर की चर्बी रखती है, जिगर की सोजश कर रही है। दूसरा है एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, ये जो शराब नोशी वगैरह है उसके साथ। तीसरा है कोई नशा वगैरह करते हैं ड्रग अब्यूज उसके साथ। चौथा है दवाओं का गलत इस्तेमाल, आप हैरान होंगे कि मैं कोई खास दवाई की बात नहीं कर रहा, हाँ पैनाडोल की गोली अगर आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो वो भी जिगर की सोजश करती है।
और इवन हमने अलाइड हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ होते देखी है कि पेशेंट की तरफ पैरासिटामोल की गोलियां बुखार नहीं ठीक हो रहा बगैर डॉक्टर ने पूछे 2, 4, 6, 8 फिर नहीं ठीक हो गया खाली वो बुखार तो एक साइड पर रह गया जिगर की सोजिश और लीवर उसका डैमेज हो गया कि डेथ उसके साथ इवन एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिसिन जो हम एंटीबायोटिक ऐसे देना शुरू कर देते हैं ये भी जिगर की सोजिश और हेपेटाइटिस का है। और सबसे एंड में जो मैंने जिसको रेड किया है जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ है वायरल हेपेटाइटिस जरा सी जो वायरस है उसके साथ जो हेपेटाइटिस आप इतनी वजूहत को छोड़ के सिर्फ आखिरी के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं पाकिस्तान में और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में यहाँ पे हेपेटाइटिस का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है यानी कि अगर एक लाइन में 9 बंदे बैठे हैं तो 9वां बंदा ऐसा मिलेगा उसको हेपेटाइटिस हो सकता है। फैसलाबाद जो है उसमें प्रेवलेंस इतना ज़्यादा है हेपेटाइटिस इस वजह से मेरा फोकस जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है जो कि वायरस की वजह से होती है। अब इसको सादा जुबान में ABC तो सभी को आती है इसकी 5-6 किस्में हैं हेपेटाइटिस ABCD इसको समझना क्यों जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको बताएगा कि मरीज को पीला या काला हो गया मरीज को काला या काला हो गया तो पीला और काला या काला बेसिकली है क्या हेपेटाइटिस ए और बी कलर भी पीला रखा हुआ है वो ग्रीन नजर आ रहा है उसका कलर मैंने येलो कलर का हेपेटाइटिस ए और बी जब भी आपको वो बोले आपको पीला या काला समझ आएंगे ए या बी में से कुछ है हेपेटाइटिस बी सी और डी ये काला ये काला जब भी आपको बोले कि काला या काला समझ आएंगे तीन में से कोई बी सी डी में से तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि हेपेटाइटिस ए और ई पीला या काला होता है और बी सी डी ये काला या काला अब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी जिसके ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ जो मेरा प्राइमरी फोकस है क्योंकि बाकी आपकी डिटेल की चीज़ें नहीं है जिस वजह से वो हो रहा है वो वजह हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है उसके ऊपर बात करनी है तो आप देख रखें जो हेपेटाइटिस सी है काला या लाल ये सबसे ज्यादा कॉमन है इसी के ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे और इसी की बात मैं बोल रहा बी और जो सी है ये दोनों काले या काला है दोनों इसी वजह से होते हैं इन्हीं की आपको बाकी डिटेल बताऊंगा। बीमारी की अलामत क्या है सबसे अहम चीज आपको कैसे पता लगेगा किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी या सी या काला या काला फटीग आम जिस्म में दर्द है मरीज हमारे पास कंप्लेन करते हैं डॉक्टर जिस्म में दर्द हो रही है थकावट सी रहती है सबसे पहले उसी सिम्टम में माइल्ड फीवर हल्का हल्का बुखार है या आपको पैर में मरीज आ करते जाता है हल्का हल्का बुखार है माइलिया पट्टों का खिंचाव टायर्डनेस थका हुआ पन गैस्ट्रिक सिम्टम आम मेदे की अलावा कि मेदे में तजाबियत है जलन है ये प्रॉब्लम होता है और इसकी सबसे जो डेंजरस सिम्टम है वो लास्ट में लिखी है आज नॉर्मल हेल्थी पर्सन किसी को नमूनिया अगर हो जाता है तो उसको बुखार होता है खांसी होती है उसको पता लगता है कि मुझे बीमारी है वहाँ डॉक्टर के पास जाता है डॉक्टर खांसी आ रही है बुखार है उसके इलाज करता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह यही है होने की फैलने की कि 10-20 साल तक मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसको कोई बीमारी है और जैसे लकड़ी को ढूंढ लग जाता है और कसर को खाती रहती है और पता तब लगता है जब वो नीचे गिर जाती है इसी तरह ये जिगर को कसर खत्म कर देती है और पता तब लगता है जब जिगर पूरा डैमेज हो चुका होता है या कम अज कम 50% डैमेज हो चुका होता है। इसलिए एक शख्स जो बिल्कुल नॉर्मल है उसको कोई अलामत नहीं है वो समझ आए कि मुझे तो पता है मुझे उसको भी अपने टेस्ट करवाने चाहिए हेपेटाइटिस के अपने किसी क्लिनिक सेंटर से जाके क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल है जिसके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। अब यह कि यूट्यूब में जाती कैसे बीमारी सबसे पहले जो है बार बार वो फंक्शन शो कटिंग करवाने जाते हैं शेव करवाने जाते हैं लेडीज हैं वो पार्लर जाती हैं सेम इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बंदे पे जो यूज हो रहे हैं वो दूसरे पे यूज हो रहे हैं
क्योंकि काला या काल जो है ये एक शख्स से मिलकर दूसरे शख्स को आएगा। बीमारी कुछ होती है जिस्म के अंदर से पैदा होती है, ये वो बीमारी है जब तक किसी दूसरे शख्स से आपको नहीं आएगी आपको नहीं लग सकती। लिहाजा जो बीमारी जो किसी दूसरे शख्स से आपको आ रही है उससे आप बच सकते हैं। जैसे कोई बुरी हालत है आप किसी कम्युनिटी में बैठेंगे आपको लग जाएगी, अच्छी जगह पर बैठेंगे शायद पड़ जाएगी। ये बीमारी जब आप किसी मुतासर शख्स के साथ अटैच होंगे तभी आपको मुश्किल होगी, इसलिए इससे बचा जा सकता है। और उसके वजूहत पहली वजह जो है वो बार बार शॉप है, एक ही रेजर बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है, इसलिए जो लोग हाथ करवाते हैं शेव करवाते हैं कटिंग कराते हैं कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन सामान अपना फायदा से रखें वो लेके जाए उसी के साथ अपनी कटिंग करवाएं ताकि इससे बचा जा सके। पिर्सिंग जो लेडीज खासतौर पर करवाती हैं नाक या कान शेव करवाते हैं कांटे वाले डालने के लिए, ये मेरी बहनें माए जो है इनको अंदाजा नहीं होता है कि वो एक ही गन होती है उसके अंदर एक ही फ्रिज है सभी को उसी के साथ कर रहे हैं। एक पर्सन जिसको हेपाटाइटिस टी है उसकी चीज अगर दूसरे को लगे तो 3% चांस है कि उसको हेपाटाइटिस हो जाए। आप आज क्लिनिक से गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे बुखार है उसने चेक किया उसने दवाई लिख दी उसका टीका लगना टीका लगाया उसने पुरानी तरीके से पड़ी रिपोर्ट आके आपको लगा, ये कॉमन हो रहा है। मैं मैक्स की बात नहीं कर रहा जो क्वालिफाइड नहीं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि इस लेवल पे भी ये काम होता है। 10 रुपए की सीरीज पर जाने का मेरे अगले की जिंदगी दाव पे लगा दी, उन्होंने उठा के अगले को लगाई। 100 बंदे अगर क्लिनिक में आए हैं 3 को 4 तक हेपेटाइटिस बी के जाएंगे। इस वजह से जब जाए खासतौर पर फिजिशियन का मैं बता रहा तो आपके सामने वो दर्द की जो भी सीरीज है वो चेंज करो, ये कब उसको साफ करवा के फिर चला। Excessive and reuse of syringes. Commonly OPD में हम देखते हैं मरीज आता है कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, या हमारे यहाँ भी सोच बनी है कि परंग टीके के नाल ही पैना साधा दुबारा पेशेंट आगे ये कहते हैं डॉक्टर परंग जब टीके से पड़ना टीके के बगैर परंग नहीं पड़ना तो टीका लगाए। अब जब एक्सेसिव यूज ऑफ सिरिंजेस होगी उसमें क्या होता है कि एक ही सिरिंज बार बार यूज कर रहे थे मिस यूज कर रहे थे उस वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आगे बीमारी ट्रांसफर हो रही होगी। हमारी 2017 में एक कॉन्फ्रेंस लाहौर डीसी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में तो वहाँ पे हमें बताया गया कि पूरी दुनिया में एक शख्स को एक सिरिंज साल में एक दफ़ा लगती है, यानी कि उन्होंने एवरेज निकाली कि एक इंजेक्शन एक शख्स को साल में एक दफ़ा कहीं जरूरत पड़ती होती है। पाकिस्तान में इसकी रेशियो पता क्या आप लोगों 13 इंजेक्शन पर पर्सन पर ईयर, यानी कि एक बंदे को एक साल में औसतन 13 इंजेक्शन लगते हैं, यानी कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया क्लिनिक में जाना पड़ गया तो 13 इंजेक्शन एक बंदे को लगते हैं और ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएँ चाहे वो क्वालिफाइड डॉक्टर है अगर क्वैक के पास जा रहे हैं वो बिल्कुल ही जाना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टरों के सामने भी सीरीज अपनी नहीं खुलवाएं क्योंकि डॉक्टर ने टीका तो लगाना तो आगे डिस्पेंसर उन्होंने सीरीज अपने सामने नहीं खुलवाएं कोशिश करें कि ना ही लगवाएं। तो ये सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी होने की। थोड़ा सही नजर नहीं आ रहा मैं आपको बता दूँ आज से जो है वो ब्लड ट्रांस होने फोन लगवाते हैं उससे पहले उसे कहते हैं जिसका क्रॉस मैच करना है, अक्सर हॉस्पिटल में आपने सुनी होगी डर कि जी फोन का जो है क्रॉस मैच करना है। क्रॉस मैच में 6-7 बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको टेस्ट करते हैं जिसमें ये काला या कान है और कुछ जन बीमारियाँ तो जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अगर किसी ऐसे शख्स का आपको लग जाता है तो फिर आप इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी है कहीं आपके रिश्तेदार को जिसको खून लगे तो आपने इस चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखना है कि जो ब्लड है प्रॉपरली क्रॉस मैच हुआ हो उसमें इसमें टेस्ट करें। यूज ऑफ टूथब्रश अक्सर आप हैरान होंगे कि कहेंगे हम तो ब्रश अपना यूज़ करते हैं लेकिन हमारा की फिटनेस कहते हैं जो गांव से पैरिफेरी से बेचारे पेशेंट आ रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, एक ही टूथब्रश घर में पड़ा होता है 5 बंदे वही इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूथब्रश जो है उसके टूथब्रश से ब्लड आता है डेंटल प्रोसीजर है अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं वो एक ही इंस्ट्रूमेंट बार बार यूज़ कर रहे हैं उनको कहें कि हमारे सामने जो आपके प्रॉपर डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करें या हम प्रॉपर उसका लाइफ किया हुआ वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें तो बार बार एक ही जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से प्रॉब्लम होती है
यहाँ जैसे मैंने बताया कि ब्रश पेरिफेरी में जो है गाँव में लोग रहते हैं उनको वेयर करते हैं, वहाँ पे ये बार बार यूज करते हैं कि फैमिली पूरा एक ब्रश यूज करें, तो इसके साथ ये फ्यूचर में ट्रांसफर होता है। एक आम हमारे मित्र यहाँ पे है कि काला या कार होता किस वजह से है। मेरे पास एक मैं ओपनिंग कर रहा था फतेहाबाद में, तो बड़ा क्वालिफाइड बंदा आया मेरे पास, मास्टर उसने किया होगा, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है तो उसका कसूर नहीं है। मैं चलो ये बता लगा कि अगर इस लेवल तक लोगों का ये आइडिया है तो नीचे वाले लोगों का क्या हाल होगा। मुझे कहता डॉक्टर मेरे वाले साहब बोला काला ये प्लान हो, मैंने कहा चलो यार इसके इलाज होगा, कहता रक्त बंद पाकिस्तान से इलाज होता है पानी बड़ा गंदा आता रहता है उस वजह से। मैंने उसको बताया मैंने यार गंदे पानी से काला ये प्लान होता है, वो सोच में पड़ गया तो यही कैसे हो सकता है। मैंने तो बोला काले काल की वजह गंदा पानी है तुम्हारे घरों में आता है साफ पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा यार काला या काल खून के मुख्तलिफ ही होता है, जब भी किसी मुतासर से जिसको पहले काला या काल है उसका खून आपको लगेगा, चाहे वो शरीर में भी लग जाए, चाहे उसके डेंटल के उधार आपको लग जाए, चाहे उसका ब्लड आपको लग जाए, उससे आपको मुश्किल होगा किसी गंदे पानी से नहीं होगा, वो तरफ पीला या काल होता है। तो ये उसके लिए बड़ी हैरान चीज़ है, इसलिए ये जो मिथ बनी हुई है कि गंदा पानी का वो काला या काल करता है, ये अपने दिलों से आज निकाल दें कि काला या काल सिर्फ एक मुतासरा शख्स है जिसको जरा से पहले है, उससे ही आपको मुश्किल होना है, किसी गंदे पानी से नहीं होना, किसी बाहर खाने से नहीं होना, वो सिर्फ पीला या काल होता है जो कि एक बार आता है उसके बाद खत्म हो जाता है। स्टार्ट मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें, एक मैं जहाँ पे छुप पाया आने की वजह क्या महसूस की, तकरीबन पिछले चार साल से मैं हेपेटाइटिस जो डिपार्टमेंट है जनरल हॉस्पिटल में उसको देख रहा हूँ, हजारों मरीज के जो मेरे काउंटिंग में उसमें 6,000 के करीब पेशेंट हैं जिनको ट्रीटमेंट दे चुके हैं और वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वो करने के बाद मैंने फील किया कि पेशेंट जो आ रहे हैं उसी तरह ही आ रहे हैं, यानी जो रिकवर हुए वो तो रिकवर हुए हैं, पेशेंट उसी तरह से उसी रूटीन से फिर आ रहे हैं, यानी कि लोगों को पता नहीं है कि निर्काल हो किस वजह से रहा है। इस वजह से मैंने ये महसूस किया कि खास तौर पे जो हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी है उसको अवेयर किया जाए ताकि वो आगे भी मैसेज दे सकें, कम्युनिटी में प्रिवेंशन के ऊपर जोर दिया जाए ताकि बीमारी को होने से रुका जा सके, ना कि हो जाए और उसको ठीक किया जाए। इस मामले में मिसाल देता हूँ, आपके अगर घर में किसी को एक छोटा सा इन्फेक्शन हो जाए, अगर आप मास्क लगाते हैं जैसे कोविड है उससे बच जाए और सैनिटाइजर यूज करें फासला रखें, तो 5 रुपये का मास्क काफी है इस बीमारी को बचाने के लिए, और अगर कोविड हो गया लाखों रुपए की दवाइयां, डेली 1,000 रुपये का वेंटिलेटर का खर्चा, रूम का खर्चा, पूरी ऊपर वाली फैमिली, वही मरीज जो 5 रुपये के मास्क से ठीक हो सकता था वो लाखों रुपए में जाकर ठीक होगा। फॉलो करें मेरी बात, प्रिवेंशन और क्योर में क्या फर्क है, वो फिक्र है कि पढ़ते थे बच्चों में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमने भी इसी तरह पढ़ा था, लेकिन ये 5 साल ट्रीट करने के बाद उसकी जो पीछे जो बेसिक है ना फिक्र की वो समझ में आ रही है कि प्रिवेंशन क्यों क्योर से बेटर है। एक 5 रुपये में जो काम हो सकता था मास्क पहन के वो 50 लाख रुपये में जाके कर रहे हैं, खुद भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली पैसे कमाने लग रहे हैं, जहनी तौर पर भी टॉर्चर हो रहे हैं, और डिजीज जो है अपनी फैमिली एक बंदा कॉलेज अपनी फैमिली मार सकती है। इस वजह से ये देखें कि प्रिवेंशन के ऊपर मेरा फोकस करना मकसद ये है कि प्रिवेंशन जो है उसमें हर लिहाज से बेहतर है, तो इस वजह से जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं इसके ऊपर सबसे अमल कर रहा है ताकि आपके घर का तो वो इस लेवल तक आ जाएगा तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़े जिसका कि 1 करोड़ में 100 करोड़ का खर्चा है, वो इन प्रिकॉशन के साथ ही इस बारे में पूरी हो जाए। एक डेटा मैं जब फिर कर रहा हूँ बोर तो नहीं हो गया, बोर हो गया तो 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 1945 में उसमें आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराए गए, उनका नाम पता है कितनी बड़ी एटॉमिक बम गिराए गए,
लिटिल बॉय ऑफ फैट जो है उनके एटम बम के नाम पर, जो उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए थे, वो दोनों शहरों के ऊपर जो एटम बम गिराए गए उनके साथ 1,99,000 1,99,000 के लोगों की डेथ हुई। इससे बड़ी दुनिया में ऐसा जोर काम नहीं है और इससे बड़ा फिर भी कमाता नहीं बन गया। उसके साथ दोनों बमों के साथ कितने लोग मरे, बहुत ज़्यादा तादाद। लेकिन असल बात जो हम बता रहे हैं वो आगे मेरा डाटा नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की बताती है कि सिर्फ साल 2015 में हेपेटाइटिस बी से मरने वालों की तादाद 8,87,000 सिर्फ 2015 में। पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी से मरने वालों की तादाद 8,87,000, कहाँ 1,99,000 जो एटम बम मरे हैं। और सिर्फ एक वायरस जो नजर नहीं आ रहा, उससे 8,87,000 लोगों की जान गई है जिनको बचाया जा सकता था। साल 2016 में सिर्फ एक एक साल का मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा कि जब से हेपेटाइटिस बी या सी आ रहा है तब की बात है। और ये सिर्फ दो वायरस है जो नजर नहीं आ रहे, जैसे कि कोविड चल रहा है कितने लोग मर रहे हैं जो नजर नहीं आ रही, उसकी प्रिवेंशन उसको बचा सकते हैं। इसी तरह एक बीमारी है जो हमारे अंदर से राहत कर चुकी है, प्रिकॉशनरी मेजर भी आपसे कर रहा हूँ कि इससे सुधार अपने आप को, अपने कारोबार को, अपनी फैमिली को बचाए। ये उसके सारे डाटा हैं जो आपको बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा लोग उसके साथ अभी तक दुनिया में बात करें। और ये 6 गुना ज़्यादा तादाद है जितने लोग एटॉमिक वार में मरे, तो उससे 6 गुना ज़्यादा लोग इन दो जगह की मुकदा कर चुके हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी का जो प्रेवलेंस है वो तकरीबन 2.8% हमारी पूरी बातों में से 61 लाख के लोग करीब जो हेपेटाइटिस बी से प्रेवलेंस है। और हेपेटाइटिस जो सी है उसका तकरीबन 6.9% प्रेवलेंस है 1,40,000 जो लोग हैं उससे प्रेवलेंस है। और पंजाब में तकरीबन 9 बंदा जो है हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है। और सबसे लास्ट सिचुएशन ये कि जो फैसलाबाद है वो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, उसके 10वें नंबर पर फैसलाबाद है। फैसलाबाद एक यूनिट है उसमें फैसलाबाद 10वें नंबर पर है इस बीमारी में, इस वजह से इसको फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने तकरीबन 11 या 12 टोटल दुनिया में बीमारियां हैं। अब इतनी सारी बीमारियां हैं, कोई खास वजह तो है जो उन्होंने इन बीमारियों को चुना है? तो WHO जो है उसने 10 या 12 बीमारियां टोटल हैं पूरी दुनिया की बीमारियों में, उन्होंने चुन के उनको नॉमिनेट कर दिया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए, यानी कि उनको आलमी सतह के ऊपर बनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जा सके कि जिन कार किस वजह से हो रहा है और किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस तरफ ये 11 या बीमारियाँ हैं जो इसमें शामिल हैं, उनकी लिस्ट में जिनको आज कितना मैं वर्ल्ड डे के हवाले से बनाया। तो ये डाटा शेयर करने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं आपके पास यहाँ पे क्यों आया हूँ, किस वजह से आया हूँ और क्या बताने के लिए। अच्छा जी, अब ये कि ये तो आपको मैंने चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से ये कान होता है, अब ये इसे बचा कैसे जा सकता है? दो या तीन चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो करनी है आपने इस बीमारी से बचने के लिए। पहली चीज़ है प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और प्रिवेंशन। जब भी बार्बर पे जाएं, नाई के पास जाएं, कटिंग करवाने जाएं, पार्लर जाएं, अपने इंस्ट्रूमेंट अलग से इस्तेमाल करें या कम अज़ कम उनको बोलें कि इसको साफ करके फिर हमारे पास यूज़ करें। सेकेंड, जब भी ब्लड लगवाएं उसकी क्रॉस मैचिंग करवाएं, उनको बताएं कि हमारे सामने जो क्रॉस मैच करेंगे या कम अज़ कम उसकी रिपोर्ट आपके सामने दें। थर्ड, अपना अपना अलहदा जो ब्रश है वो इस्तेमाल करें। फोर्थ, आपके जो सेंसिटिव टू द सिरिंजेस है मैंने बताया, मैं गली वाले में डॉक्टर के पास जाता हूँ क्योंकि मेरे सामने सिरिंज भरे, मेरे सामने इंजेक्शन भरे, कोशिश करेंगे इंजेक्शन ना लगवाएं, लेकिन अगर लगवाना भी पड़ता है तो अपने सामने से निकलवाएं, अपने सामने से लगवाएं। पहली तो होगी प्रिकॉशन,
सेकंड है कि अगर आपको नहीं पता या कुछ अलामत आ रही है तो तब क्या करना है, अपने करीबी किसी सेंटर पे जाके, कोई करीबी जो डॉक्टर है वहाँ पे जाके अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं हेपेटाइटिस के, अगर आपको कोई अलामत है या नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेवलेंस भी ज़्यादा है कि हर नॉर्मल शख्स के भी इसके टेस्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 134 जो डी एच क्यूज हैं, आर एच क्यूज डी एच क्यूज हैं, उनमें हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए हुए हैं जहाँ पे स्क्रीनिंग से लेके हेपेटाइटिस के टेस्ट और जिनको हेपेटाइटिस नहीं है उनको बचाओ के पास किम लगाए जाते हैं वैक्सीनेशन, जिनको है उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, और जो पी सी आर का टेस्ट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी बाहर बहुत तकरीबन 4 से 5 हज़ार के करीब है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको फ्री कर रहे हैं। और एक अहम चीज़ के वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, हमारे होता है कि हमें हेपेटाइटिस का मसला तो है नहीं, वैक्सीनेशन क्यों करवाएं, जैसे कोविड के बारे में कह रहे हैं तो लोगों में ये भी क्रिएट हुई है कि 2 साल बाद डेथ हो जाएगी, तो मैं तो मुकाम में तो मैं क्या 2 साल से पक्के नहीं होता है, वो सुबह डेथ हो जाएगी, देखिए इसका मतलब कितना कोई गारंटी कोई नहीं दे रहा 2 साल, ये तो दे रहे हैं, तो वैक्सीनेशन लाजमी कराएं, बी की भी वैक्सीनेशन जो है ना हम लाजमी कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन होती ही उन लोगों के लिए जिनको कोई इलाज नहीं होता, जिनको हो जाता है उनके लिए फिर इलाज होता है। और सबसे अहम चीज जो मैंने इसके ऊपर भी लिखी है, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर एक बंदे को काला जरकार हो गया और उसके अलावा कोई नहीं है, उसने टेस्ट नहीं कराया, उसको पता लगा 7 साल हो गए, उसका जिगर सुपड़ गया, आप सिरोसिस बोलते हैं, उसका जिगर सुपड़ गया, अब वो हमारे पास आया कि डॉक्टर साहब मैं 5 दिन के आज टेस्ट कराया था, जरकार नहीं हो गया, कॉमन कंप्लेन होती है, उस वक्त उसका मैं टेस्ट करवाए इलाज कर दिया, मैं यकीन माने आपको कह रहा हूँ उसको तो कोई फायदा नहीं, 1% फायदा नहीं होगा, अगर उसका यरकार खत्म नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि यरकार ने जो काम करना था वो कर चुका, अगर किसी बंदे को सुरक्षित हो चुकी है जिगर सुखड़ चुका है चाहे उसके आप हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट कर लें उसका कोई फायदा नहीं, उसके पेट में पानी भी पड़ना है, उसको खून चुटियाँ डाले खाने भी आने हैं, उसको जिगर में सोजी बननी है, 5 साल में बने, 10 में बने, 15 में बने, ये एक प्रोसेस है जो आगे चलता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ही एक है अर्ली डायग्नोसिस जब आपको कोई इलाज नहीं है और अर्ली ट्रीटमेंट जब ये मास निकल गई फिर इसका इलाज करने का कोई फायदा नहीं। ले जनाब आपका मुश्किल वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, अब किसी के जहन में कोई सवाल किसी तरह का भी बीमारी के मतलब का पूरे से पूछ सकते हैं। सर ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जिगर का बढ़ना और सुखड़ना क्या दोनों एक ही चीज़ है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें जिगर बढ़ जाता है, कुछ बीमारियाँ हैं जिनमें सुखड़ जाता है, आप एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझा दो आपको बड़े आगे समझ आ रहे हैं, आपके हाथ में चोट लगी आपके हाथ में स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है, हाथ बहुत ज़्यादा सूज जाता है, ठीक हो गया जी, कुछ ऐसे बहुत आज ऐसा कुछ हो गया वो जख्म का निशान रह जाता है, शिनाख्ती कार्ड भी लिखा होता माथे पे जख्म का निशान हाथ पर जख्म का निशान, वो स्किन वहाँ से चेंज हुई होती है, नॉर्मल होती नई स्किन तो आ जाती है लेकिन वहाँ से सुखड़ी होती है, वो जो सुखड़ी होती है एक बड़े जिगर सुखड़ा, जो जख्म हमारे पास सोच पड़ी होती है इस तरह जिगर को सोच पड़ी होती है, ठीक है जी, तो कुछ बीमारियों में जिगर में सोजिश होती है जिगर बढ़ जाता है, जैसे कि जिगर में चर्बी का आना ठीक हो गया और जिगर के अंदर पानी पड़ जाता है, जिगर के अंदर गिरती है उसमें जिगर बढ़ जाता है और उसमें सोजिश आती है, और जब उसकी आखिरी स्टेज आ जाती है तो अल्टीमेटली जिगर उसकी बीमारी के खिलाफ लड़ लड़के खत्म हो जाता है तो फिर जिगर सुखड़ जाता है। सर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हेपेटाइटिस बी और सी के दरमियान क्या फर्क है, बेसिकली हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस है वो 4-5 किस्म के जो जरासीम होते हैं, हेपेटाइटिस ए भी एक वायरस का नाम है, बी भी एक वायरस का नाम है, सी भी वायरस का नाम है, इसका डी ये सारे वायरस हैं, तो जो बीमारी हेपेटाइटिस सी वायरस का आज करेगा उसको हेपेटाइटिस बी कह देते हैं, जो
हेपेटाइटिस बी की वजह से होगी उसको हेपेटाइटिस बीमारी ई के जरासीम की वजह से हो रही है, सी के जरासीम की वजह से सिर्फ इसका फर्क, और कोई फर्क नहीं है। ये जरासीम का नाम है बी और सी। किसी को और सवाल? इन्होंने पूछा कि जो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीनेशन है उसका क्या क्राइटेरिया, वेट कम लेनी पड़ती है बार बार? जो 2015 की अमेरिकन गाइडलाइन है वो कहती है कि जिंदगी में सिर्फ एक दफा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन दिखवाया है। जिन लोगों की पैदाइश सन 2000 के बाद हुई है, 2002 के बाद, उसके बाद जब हमारे घर में जो वैक्सीनेशन होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन शामिल है, तो उनको भी दोबारा करवानी हो जाएगी। यानी कि जो बच्चे की 2002 के बाद पैदाइश है उनको वैक्सीनेशन कराने की जरूरत नहीं है, उनको उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन आर एस शामिल है। जिनकी बजाय उससे पहले भी है, कभी एक इसलिए कि हमारे घर में वैक्सीन करते हैं उसमें वैक्सीनेशन बी की शामिल नहीं थी, तो उनको तो करानी चाहिए। अब यह कि दो दिन इसकी तीन डोजेज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, एक पंजाब का क्राइटेरिया है वो एक अगर आप आठ लोग आते हैं, दूसरी आपको लगेगी एक माह के बाद और तीसरी आपको लगेगी छः माह के बाद। डिफरेंट क्राइटेरिया है, एक माह के अंदर भी लग सकते हैं, 27 दिन के अंदर भी लग सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 6 माह के अंदर आ रही है, एक अभी एक माह के बाद और एक 6 माह के बाद। तो जब आप एक दफा तीनों डोज को पूरी कर लेते हैं उसके बाद उसका एक टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आप पेशेंट जो है वो प्रॉपर वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ पर सारी समझ आ गई है। उधर मैंने किसी का क्वेश्चन, मैंने थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और क्वेश्चन है कि आप मुझे हर समय और एक हम ऐसी है कि आप मात्र सारे पढ़े लिखे हैं और कहीं नहीं तो हमें कम अपने घर वालों को डाल सकते हैं, अपने घर में जाकर डाल सकते हैं, बीमारी की मदद होती है और उसे बचा सकते हैं।